नागरिकता संशोधन विधेयक को भले ही संसद की दोनों सदनों ने मान्यता देकर अपनी मुहर लगा दी हो, परंतु इसको लेकर कहीं ना कहीं विरोध के भी सुर लगातार मुखर हो रहे हैं। वहीं कल जुमे की नमाज के बाद नागरिकता संशोधन विधेयक के विरोध में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने प्रदर्शन किया और मुस्लिम समुदाय के लोगों ने जिलाधिकारी के द्वारा राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने राष्ट्रपति से संसद द्वारा पास किए गए नागरिकता संशोधन विधेयक को यह कहते हुए निरस्त करने की मांग की है। वहीं टाटशाह मस्जिद के इमाम शमसुल कादरी ने कहा कि नागरिकता संशोधन विधेयक संविधान की मूल भावना धर्मनिरपेक्षता, सामान्यता व सामाजिक समरसता के विरुद्ध बताते हुए ये बिल संविधान के आर्टिकल 14 के विरुद्ध कहा इसे। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित बिल NRC को देश के सभी समुदाय और धर्म के लोग विभिन्न मौकों पर एक दूसरे के साथ रहते हैं और ऐसे बिल अगर लागू होते हैं तो ये समाज में एक दूसरे से दूरी बढ़ाने और बांटने का काम करेगा। उन्होंने कहा CAB व NRC बिल भारतीय समाज को बांटने का प्रयास करेगा, इस बिल को निरस्त किया जाए। इस दौरान जुमे की नमाज के वक्त सुरक्षा व्यवस्था के भी कड़े इंतजाम किए गए। PLL न्यूज़ के लिए अयोध्या से मोहम्मद आलम की रिपोर्ट। देखिए, आप सब जानते हैं हिंदुस्तान एक ऐसा जमहूरी मुल्क है जहाँ पर मुख्तलिफ धर्म के और मुख्तलिफ धर्म के मानने वाले लोग यहाँ रहते हैं। ऐसे में एक बिल हमारे मुल्क के लोकसभा में और राज्यसभा में पास हुआ है, जिसे हम मुसलमानों ने अयोध्या शहर फैज़ाबाद और ज़िला अयोध्या अपने खिलाफ समझते हैं और हिंदुस्तान के सदर आला से ये गुजारिश करते हैं कि इस बिल को आप अपने अधिकार और अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए इसको आप निरस्त कराएँ और ताकि मुसलमान और शहर मुल्क के दूसरे नागरिक चैन व सुकून के साथ रहें। चूँकि CAB जो पास हुआ है इसे हम अपने खिलाफ समझते हैं और आइंदा इनका जो प्लान है NRC पास करने का उसको भी हम अपने खिलाफ ही समझते हैं। इसलिए मुल्क में हर तरह के लोग रहते हैं, छोटा बड़ा, अमीर गरीब, हर एक को रहने का मुकम्मल अधिकार मिलना चाहिए जैसा कि था और जो जमहूरियत में दाखिल है आर्टिकल नंबर 14-15 में जैसा कि सबको अधिकार है। इसलिए मैं सदर मोहतरम से गुजारिश करूँगा कि आप हमारे इस बयान को सुन करके अपने पावर का इस्तेमाल करें और जो बिल पास हुई है इसको आप अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए निरस्त करें। मैं